हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? तो आज जो है मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है क्योंकि मैं कर रही हूँ ट्रैवल और इंडिया के लिए ट्रैवल कर रही हूँ, घर जा रही हूँ। आफ्टर 10 इयर्स मैं रमजान में घर जा रही हूँ, तो आई एम सो एक्साइटेड। और मुझे लगा चलिए आप लोग के साथ भी थोड़ा सा मेरी जर्नी जो है वो शेयर करूँगी। मैंने बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाया, बहुत छोटा सा एक व्लॉग बनाया है जो कि थोड़ा थोड़ा करके मैंने क्लिप्स लिया है, क्योंकि एयरपोर्ट का वीडियो मेरे चैनल पर बहुत सारा है तो मैं अपना एयरपोर्ट जो है फिर से नहीं दिखा रही हूँ। थोड़ा सा अपना जर्नी है वो आप लोग यहाँ शेयर करूँगी, आई एम श्योर आप लोग एन्जॉय करोगे। तो यहाँ पे बच्चों को खिलाने पिलाने के लेके आए गए थे, उसके बाद हमने इफ्तार वगैरह करके फ़्लाइट में एंटर किया है। तो अगर आप लोग देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, अगर कोई भी चैनल पर न्यू है तो लाइक करना और मुझे कमेंट्स करके भी ज़रूर बताना कि कैसा लगा। तो जयान भी बहुत अभी थोड़ा सा वो मुझे उसे पता चलने लग गया है कि वो ट्रैवल कर रहा है, पहले ही बार उसे सीट मिला है। 2 ईयर्स के बाद यहाँ पे सीट प्रोवाइड करते हैं, आपको लेना ही पड़ेगा फिर हम वो उसका भी फुल फेयर टिकट लेते हैं। तो उसका भी पहला फ़्लाइट था और उसने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत अच्छे से फ्लाई किया है, वो बहुत एंजॉय कर रहा था पूरे फ्लाइट में। तो आप लोग ज़रूर देखना, अच्छा लगेगा आई एम श्योर। आके कोलकाता पहुंच गए थे हम, असम जाते हैं वाया कोलकाता। तो हमें कोलकाता में थोड़ी देर के लिए स्टे करना पड़ता है, जैसे कि हम 2:30 को आके पहुंच गए थे। उसके बाद फ्रेशन और होके हमने कुछ खा पी लिया था, जैसे कि ब्रेकफास्ट कर लिया था क्योंकि हमारा उस दिन रोज़ा नहीं था। ट्रैवलिंग तो हमारा टाइमिंग भी डिस्टेंस मतलब अलग ही हो जाता है, तो उस दिन रोज़ा रखना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए। वैसे भी हमारा रोज़ा जो है वो मैनेज हो ही जाता है क्योंकि हमने एक दिन पहले लिया था रोज़ा रखा था इंडिया कम्पेयर टू इंडिया, तो इस हिसाब से मैनेज हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है हमें जाना था एयर इंडिया से, हम ट्रैवल करेंगे पहली बार गुवाहाटी के लिए। तो बता नहीं, मेरे एक्सपीरियंस इतना अच्छा मतलब अभी कभी भी नहीं किया, तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कैसा होगा, अच्छा होगा क्या होगा, तो वो भी आप लोग के साथ डेफिनेटली शेयर करेंगे। और देखिए ये है एयर इंडिया का फ्लाइट, अंदर से बहुत अच्छा है, बहुत स्पेशियस है। मुझे सच बता रही हूँ कंपेयर टू इंडिगो मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका बिहेवियर्स एंड ऑल क्रू का बहुत अच्छा था। और ऊपर से उन लोग का फ्लाइट में मतलब सीट अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा था क्योंकि बहुत स्पेशियस था, इंडिगो में इतना स्पेशियस नहीं होता है, तो कंपेयर टू इंडिगो मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद उन लोगों ने कट्टी रोल भी हमें प्रोवाइड किया था और अच्छा खासा था। और ज़्यादा इनफैक्ट 30 मिनट्स पहले हम जाके गुवाहाटी पहुँच भी गए थे और इतनी टायर्ड हो गई थी मैं, फुल वीडियो बहुत सारा व्लॉग नहीं बना पा रही थी, लेकिन बच्चे के साथ ना फिर से व्लॉगिंग करना इट्स नॉट पॉसिबल। फिर भी मैंने थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों के लिए क्लिप्स ले लिया था। और ये है असम का एयरपोर्ट जो कि बहुत अच्छी वाइब्स आ रहा था बिहू वाला, क्योंकि बिहू असम में हो रहा है अभी, तो उसी हिसाब से उन लोगों ने बहुत अच्छा मतलब ये करके रखा है, एक अरेंजमेंट बहुत अच्छा डेकोरेशन करके रखा है। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के लिए थोड़ा सा है जो क्लिप्स ले लेते हो, आप लोगों को भी दिखाती हूँ, आप लोग एंजॉय करोगे। आई होप आप लोगों को ये व्लॉग अच्छा लगा है, अगर लगा है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। फिर से बता रही हूँ, कोई भी मेरा चैनल पर न्यू है तो इंशाल्लाह मैं जल्दी ही नेक्स्ट व्लॉग भी लेके आऊँगी, ऐसे ही छोटे मोटे व्लॉग लेके आऊँगी आप लोगों के।